नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सहरा। आज फिर से लेकर आया हूं हारमोनियम सीखने की सीरीज का नया वीडियो। आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा एक प्रेयर, एक प्रार्थना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप जल्दी से जल्दी आसानी से इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को सीख जाएं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी हारमोनियम बजाना सीख जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आज हम प्रार्थना सीखेंगे जिसका नाम है तू ही राम है तू रहीम है। इसकी एक स्थाई और एक अंतरा पहले मैं आपको गाकर सुनाऊंगा ताकि आपको इसकी लय और इसकी ट्यून समझ आ जाए। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु तू ईसा मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तेरी जात पात कुरान में तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना फैला रहा, तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। ये प्रार्थना बहुत ही आसान है, कोशिश पूरी रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रार्थना को सीख जाएं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहली लाइन के नीचे लिखा है सारे गा 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 मा गा रे गा रे सा। अब हम इसको बजाएंगे। फिर से देखिए पहली लाइन सा रे गा 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 मा गा रे गा रे सा। फिर से देखिए स्लो। अगली लाइन नी धा नी रे रे गा पा पा रे गा रे सा। फिर से देखिए। एक बार फिर से। अब हम दोनों लाइन को एक साथ बजाएंगे। अगली जो लाइन है तू ही वाहे गुरु तू ईसा मसीह, हर नाम में तू समा रहा। पहली ही लाइन पर सेम बजेगा, देखिए। और आपकी स्थाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अंतरा बजाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अंतरा तेरी जात पात कुरान में, इसके नीचे लिखा है गामा पा 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 पाधा माधा पापा। अब बजाएंगे इसको। आगे
आगे जो लिखा है, तेरा दर्श वेद पुराण में, गामा गा रे रे गा पापा रे गा रे सा, तेरा दर्श वेद पुराण में। दोनों लाइन एक साथ बजाएंगे, अगली लाइन की तरफ चलेंगे। गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना फैला रहा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी ट्यून जो है सेम पहली लाइन से मिलती है, तो वही स्वर हम दोबारा से बजा देंगे। देखिए, सारी इसी प्रकार से दूसरा अंतरा भी सेम बजेगा, सेम पहले अंतरे की तरह ही दूसरा अंतरा भी बजाया जाएगा। मुझे पूरी आशा है आपको ये प्रार्थना पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको नोट्स में या फिर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी ही आपकी सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी हारमोनियम बजा सकें। जब भी आप ये प्रार्थना बजा लें तो उसका वीडियो बनाकर मुझे शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपको भी जोश आए कि मैंने एक गाना एक सॉन्ग अच्छी तरह से हारमोनियम पर बजाना सीख लिया है। मेरी आप सभी लोगों से बार बार यही प्रार्थना है कि जब भी आप बजाना शुरू करें तो सबसे पहले आप धीरे धीरे बजाइए, धीरे धीरे एक एक स्वर को बजाना सीखिए। जब आपके हाथ चलने लग जाएं, आपको स्वर समझ आ जाएं, आपको स्वर याद हो जाएं, फिर आप उसकी धीरे धीरे लय बढ़ाइए ताकि आप एक अच्छा हारमोनियम बजाना सीख जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।